हेलो सीएफए फैस्टेंट्स, अभी जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो 2018 का पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है, जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको सोल्यूशन दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अभी मैं फोर्थ वाला ऐसे क्वेश्चन है उसको मैं ले रही हूँ, रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनेमिज्म। और ये क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और कैसे इसको लिखना चाहिए इसका कंटेंट वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखते हो, इसके पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं समझोगे, उसका जितना भी कीवर्ड्स है ऐसे क्वेश्चन में, आपका रिजर्वेशन कीवर्ड, उसका मतलब, सप्रेशन का मतलब, सिविल डायनेमिज्म का मतलब, अगर ये सब नहीं समझोगे तो फिर बहुत मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना अपने कंटेंट के थ्रू। तो समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को, ताकि आपका कंटेंट रेलिवेंट रहे। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आप इंग्लिश में भी पढ़ो, हिंदी में भी पढ़ो, और उसके बाद संधि विच्छेद करो, डाइसेक्ट करो, कितने की कॉम्पोनेंट्स है, एक की कॉम्पोनेंट, दो की कॉम्पोनेंट और तीसरा की कॉम्पोनेंट सिविल डायनेमिज्म। अब आप देखो कि आपको सारा की कॉम्पोनेंट का मतलब पता है, क्योंकि आपको सारे की कॉम्पोनेंट को अपने कंटेंट के थ्रू जस्टिफाई करना है। तो रिजर्वेशन, हाँ ठीक है, आप लोगों को पता है, सभी को पता है रिजर्वेशन क्या होता है। सप्रेशन, ये भी आप लोगों को पता है, दबाना। सिविल डायनेमिज्म, इसका मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो फिर आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ोगे तो सिविल का मतलब क्या होता है, पब्लिक। डायनेमिज्म वर्ड जो आया है डायनेमिक से, डायनेमिक होता है मूवमेंट, ठीक है, गतिशीलता, हम डायनेमिज्म को कहते हैं, फाइन। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो तीनों की कॉम्पोनेंट है, रिजर्वेशन सप्रेसेस और सिविल डायनेमिज्म, इस इन तीनों को आपको जस्टिफाई करना है, ओके। मगर किसके बारे में आपको ज्यादा लिखना है, कौन सा ऐसा की कॉम्पोनेंट है जिसके बारे में आप मेन बॉडी में लिखोगे, फाइन। तो क्या रिजर्वेशन के बारे में लिखोगे, सप्रेसेस के बारे में नहीं, मगर सिविल डायनेमिज्म के बारे में लिखोगे, किसके लिए, तो आपको ये डिसाइड करना है। तो जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा बात करोगे मेन बॉडी में, वो होता है स्पेसिफिक कंपोनेंट। जिसके बारे में कम बात करोगे उसको हम कहते हैं जनरल कंपोनेंट, ठीक है। तो जो जनरल कंपोनेंट है आप उसको एसे के इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है, और जिससे आप इंट्रोडक्शन में आप जस्टिफाई कर दो जनरल कंपोनेंट को, और स्पेसिफिक कंपोनेंट को आप ले आओ मेन बॉडी में, ठीक है, और मेन बॉडी में इसको जस्टिफाई करो। जब जस्टिफाई करोगे तो इसको और इसको कनेक्ट करना है, कैसे, कि रिजर्वेशन सप्रेस कर रहा है सिविल डायनेमिज्म को, फाइन। तो जो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा जनरल कॉम्पोनेंट है, कौन सा स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट है, स्टूडेंट्स जिसका सबसे ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर आप कंपेयर करो रिजर्वेशन और सिविल डायनेमिज्म में, तो सिविल डायनेमिज्म के अंदर रिजर्वेशन नहीं आता है, मगर आप अगर देखोगे तो रिजर्वेशन के अंदर सिविल डायनेमिज्म आता है, ठीक है। ये रिजर्वेशन है और उसी के अंदर आपका सिविल डायनेमिज्म आएगा, मगर सिविल डायनेमिज्म के अंदर रिजर्वेशन नहीं आएगा। तो जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है वो जनरल कॉम्पोनेंट होगा, और जो नैरो सा है वो आपका स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट होगा, जिसके बारे में आप मेन बॉडी में बात करोगे। तो मैंने रिजर्वेशन के बारे में आप शुरुआत आप कर सकते हो, और मेन बॉडी में सिविल डायनेमिज्म के बारे में बात करोगे। तो मैंने कैसे शुरुआत किया है, द इंडियन कास्ट सिस्टम इज हेरिडिटरी रिजिड एंड इमोबाइल इट्स, यानी मैंने रिजर्वेशन से भी शुरू नहीं किया, रिजर्वेशन से भी जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है कास्ट सिस्टम मैंने उससे शुरू किया है। इट्स मेंबर्स आर डिबार्ड फ्रॉम मूविंग बिटवीन द कास्ट, सो इन ऑर्डर टू प्रमोट सिविल डायनेमिज्म, सिविल डायनेमिज्म का मतलब गतिशीलता, सिविल का मतलब अगर मैं लिटरल टर्म में लूं तो पब्लिक, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी, सोसाइटल बीइंग्स, ठीक है। तो अगर हमारा जो कास्ट सिस्टम है बहुत रिजिड है, उसमें एक कास्ट से दूसरे कास्ट नहीं, अगर मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुई तो मैं ब्राह्मण ही रहूंगी थ्रू आउट माई लाइफ, जब तक मरूंगा, फाइन। तो ये गतिशीलता नहीं हो रही है, फाइन। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट सिविल डायनेमिज्म वेयर बाय एवरी इंडिविजुअल ऑफ डिप्राइव्ड कास्ट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मूव अपवर्डली अक्रॉस सोशल हायरार्की,
मतलब सिविल डायनेमिज्म प्रमोट करना है, जिससे जो भी डिप्राइव कास्ट है वो सोसाइटल हायरार्की में, सोसाइटल स्ट्रेटा जो है उसमें वो ऊपर जा सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो मैंने कास्ट सिस्टम से फिर मैं रिजर्वेशन पे आई हूँ। ओके, धीरे धीरे हम ऐसे क्वेश्चन को अनफोल्ड कर रहे हैं। इट ऑफर्स एससी एंड एसटी पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड सर्विस अपॉर्चुनिटीज बाय रिजर्विंग सीट्स फॉर देम इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो मैंने यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बात कर दी और मैंने यहाँ पर सिविल डायनेमिज्म का मतलब बता दिया। अब जो क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सपोज करना है कि रिजर्वेशन कैसे सिविल डायनेमिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं आगे बढ़ूंगी। मगर आप चाहे तो आप इसके अगेंस्ट में भी लिख सकते हो, फाइन। ऐसा नहीं जो ऐसे क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसी के फेवर में आपको लिखना जरूरी है। हालांकि रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, सिविल डायनेमिज्म को प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव था, ये मैंने इंट्रो में ही बता दिया है। अब किस तरह से रिजर्वेशन सिविल डायनेमिज्म को सप्रेस कर रहा है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। दिस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, हाउ एवर क्यों इंट्रोड्यूस किया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि रिजर्वेशन पॉलिसी का मकसद क्या था, सिविल डायनेमिज्म को प्रमोट करना, मगर यहाँ पर ये सप्रेस कर रहा है। तो हाउ एवर यूज करके मैंने दोनों पैराग्राफ को कनेक्ट कर दिया है। इस सप्रेसिंग सिविल डायनेमिज्म बाय क्रिएटिंग डीप रिजेंटमेंट अमंग जनरल कैटेगरी कास्ट अगेंस्ट द रिजर्वर। तो जनरल कैटेगरी जो है रिजर्वेशन की वजह से उनके अंदर एक रिजेंटमेंट है अगेंस्ट रिजर्वर कि इनको रिजर्वेशन मिल जाता है, इनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, इनको जॉब मिल जाता है। द फॉर्मर, फॉर्मर कौन है, जनरल कैटेगरी, फॉर्मर यानी जनरल कैटेगरी एजर्ट दैट देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट इज बेस्ड ऑन फॉल्स कन्विक्शन ऑफ ऑल बींग इकोनॉमिकली साउंड एंड मेरिटोरियस। तो जनरल कैटेगरी वो क्या रहा है कि इस रिजर्वेशन की वजह से सिविल डायनेमिज्म सप्रेस हो रहा है और एक तरीके का रिफ्ट क्रिएट हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है जनरल कैटेगरी और रिजर्वर्स में। तो जनरल कैटेगरी बोलते हैं कि ये रिजर्वेशन एक फॉल्स कन्विक्शन पे बेस्ड है कि जितने भी जनरल कैटेगरी वाले होते हैं वो मेरिटोरियस और इकोनॉमिकली साउंड होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हाउएवर ऑल द पीपल ऑफ जनरल कैटेगरी आर नॉट सोशली एंड इकोनॉमिकली एडवांस, रादर इट हैज पुअर क्लास हु आर स्टिल बैकवर्ड। ऑन द अदर हैंड वी हैव क्रीमी लेयर सेक्शन इन एससी एंड एससी, रिजर्व्स में भी हम देखते हैं कि क्रीमी लेयर है जो कि अभी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू परमानेंटली रीप इट्स बेनिफिट। दिस प्रोविजन इज आल्सो टेम्पटिंग मेनी अदर कास्ट टू ब्रिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर देम एज बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ एससी और ओबीसी। तो इसमें भी ऐसे भी कुछ कास्ट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी रिजर्वेशन अम्ब्रेला के अंदर लेकर आया जाए। इन दिस ग्रिम बैकड्रॉप इट कैन बी सेड दैट दिस 70-year-old प्रोलॉन्ग रिजर्वेशन पॉलिसी हैज नाउ बिकम रिग्रेसिव। ठीक है, पीछे जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस। ये एक्चुअल बेनिफिट्स से वो उन पीपल को नहीं मिल रहा है जिनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी फ्रेम किया गया है। सो द फाइनेंशियल स्टेटस, हालांकि अब तो ईडब्ल्यूएस आ ही चुका है, मगर ये जब 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तब नहीं था ऑब्वियसली, तब मैं अभी मैं ईडब्ल्यूएस के बारे में लिख नहीं सकती हूँ। टू बी सोल क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द बैकवर्डनेस, ऑल्सो द गवर्नमेंट मस्ट सेट द एक्सपायरी डेट फॉर अवेलिंग इट्स बेनिफिट, अदरवाइज इट विल बी मिस्टेकन एज एन एक्सक्लूसिव राइट एज वॉज विद द गुजर किंग्स। ठीक है, एक्सपायरी डेट भी होनी चाहिए। टू कंक्लूड, रिजर्वेशन पॉलिसी हैज नॉट बीन रिवाइज सिंस इट्स इंसेप्शन, द गवर्नमेंट मस्ट अर्जेंटली रिव्यू इट्स रिजर्वेशन पॉलिसी इन सच अ वे दैट इट अपलिफ्ट्स द सोशली बैकवर्ड पीपल विदाउट क्रिएटिंग रिफ्ट इन द सोसाइटी। एनी रिफ्ट इन द सोसाइटी इज डेट्रीमेंटल टू सिविल डायनेमिज्म। अब देखिए, जो कंक्लूजन में आपको जितने भी की कॉम्पोनेंट्स ऐसे के वो सारे के सारे इंक्लूड करने चाहिए, अदरवाइज आपका कंक्लूजन कंक्लूसिव नहीं लगेगा, लगेगा नहीं कि हाँ आप एंड कर रहे हो। तो रिजर्वेशन आ गया, ठीक है, उसके बाद मैंने सिविल डायनेमिज्म भी मैं लेकर आ गई हूँ और फिर मैंने लिखा कि इट इज डेट्रीमेंटल टू रिफ्ट के बारे में, सप्रेशन मतलब रिफ्ट ही है और सोशल कोहेशन लेकर आए।
एनी रिफ्ट इन द सोसाइटी डेटरमेंटल टू सिविल डायनेमिज्म विच हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग इन सोशल कोहेशन. ठीक है, सिविल डायनेमिज्म से सोशल कोहेशन आता है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.